हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केमो नाचो कैसन बा कसक काय। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, क्या आप अपने दांत के पीलेपन से परेशान हैं? आप चाहते हो कि आपकी जो दांत है वो वाइट दिखे, क्लीन रहे, आप पीलापन ना रहे आपके दांतों पे, जब भी आप खाना खाते हो तो आपके दांतों पे येलो येलो हो जाता, आपका दांत येलो हो जाता है, आप येलो दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने पीले दांतों से कैसे छुटकारा पाएं। मैं तीन चीज़ बताऊंगी आज, अगर आप इसे तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आप एवरीडे यूज़ करोगे ना, इससे आपकी येल्लो जो दांत है, येल्लो जो टीथ है, वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सफेद दांत किसको नहीं पसंद आता? सफेद दांत सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। जो जब भी किसी के सामने स्माइल करते हैं या हम कहीं घूमने जाते हैं या ऑफिस गोइंग है या कहीं भी जाते हैं, अगर हमारी जो टीथ है वो व्हाइट रहता है और हम स्माइल करते हैं तो अलग सा ही उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है आपकी स्माइल की। और अगर येलो दांत रहता है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो कि कैसे मैं स्माइल करूंगा, सामने वाले क्या सोचेंगे कि मेरा जो टीथ है वो येलो है, तो आप इस चक्कर में अपना स्माइल करना भी अवॉइड करते हो किसी के सामने। तो चलिए येल्लो दांत को हमेशा के लिए बाय बाय करते हैं। और मैं जो टिप्स बताने जा रही हूँ, अगर एवरीडे इसे फॉलो करोगे आपकी जो येलो टीथ की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो टिप्स नंबर वन, पहला है आपको करना क्या है, आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खा ले उसके 5 मिनट बाद आपको नींबू का रस लेना है। जितना नींबू का रस आप लेते हैं उतना ही आपको पानी चाहिए होता है। उस पानी से आपको गार्गल करना है, कुल्ला करना है उस पानी से, और एवरी डे करना है। इससे आपकी जो पीली दांत है वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, आपके दांतों से पीलापन, और प्लस जो भी आपके दांतों पे बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो उसको भी खत्म करेगा और दांत का दर्द वगैरह भी कम करेगा। तो जब भी आप खाना खाए उसके 5 मिनट बाद आप नींबू और नींबू में थोड़ा पानी मिलाए और उससे कुल्ला कर ले। सेकेंड टिप्स में करना क्या है, आप जब भी ब्रश करते हैं तो आप अपने कोलगेट में आप उसमें नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा एक पिंच आपको डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालकर उनको मिक्स करके और फिर ब्रश करेंगे उससे। अगर आप इसे एवरीडे ब्रश करोगे तो इससे भी आपकी येलो टीथ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके। लेकिन आपको याद रखना है कि एवरीडे आपको ऐसे ही ब्रश करना है। अगर आप इसे एवरीडे इसे ब्रश करते हैं तो आपकी जो पीली दांत की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और जो आपकी दांत जो है वो व्हाइट हो जाएगी। और थर्ड टिप्स ये है कि आप नॉर्मली ब्रश सुबह उठकर ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद नॉर्मली टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद आपको थोड़ा बेकिंग पाउडर लेना है, और थोड़ा बेकिंग पाउडर लेने के बाद बेकिंग पाउडर से अपने दांत को ऐसे ऐसे हम उस पर मसाज करेंगे और 1 मिनट तक मसाज करके और नॉर्मल पानी से हम कुल्ला कर लेंगे। इससे भी आपके येलो दांत की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लास्ट टिप्स है, आपको लेना है सरसों ऑयल, उसमें डालना है थोड़ा सा नमक। ऑयल हमें लेना है 2-3 ड्रॉप ऑयल ले लेंगे और एक पिंच हम ले लेंगे उसमें नमक डालकर उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। उस मतलब ऑयल और नमक से आपको अपने टीथ पे मसाज करना है। अगर आप इसे इवनिंग में भी मसाज कर सकते हैं, रात को सोने के वक्त भी मसाज कर सकते हैं, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। अगर इसे भी अगर एवरीडे करते हैं तो आपकी जो येलो टीथ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये करके धीरे धीरे करके प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी, एक साथ नहीं होगी। तो आपकी येलो टीथ की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी टिप्स, आपको जो सही लगे आप वो टिप्स अपना ले, लेकिन एवरीडे करना है इसे, आपकी जो येलो टीथ की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।